एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसके झा सर का पॉलिटी का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह सो जो प्रश्न होता है वो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जो हो जाए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली यह बिहार पुलिस के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी रहता है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ का मतलब होता है कि उनके पद से हटा सकता है, तो यह संसद हटा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, और इन पर लगाने से पहले 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है, और यह प्रक्रिया अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति जानते हैं कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो यह 2026 तक कर दिया गया है। कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में जो लोकसभा का जो सीट है वह 2026 तक वैसे ही बना रहेगा, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो इसका जो सत्य सही हो जाएगा, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत होते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थक जो होता है समर्थन आवश्यक होता है। तो यह उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत जो होना चाहिए वह समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा। ध्यानकर्षण जो प्रस्ताव होगा वह लोकसभा में नहीं पेश होगा, बाद बाकी निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव यह पारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है। तो 56 का जो संबंध है वह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, और जो निर्वाचन है वह 54 से है, और भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल जो शक्तियाँ है वह 352 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में जो क्या होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, और यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून को किस सूची में रखा गया है। तो साइबर कानून को रखा गया है अवशिष्ट सूची में रखा गया है, अवशिष्ट सूची में रखा गया है, जो यह केंद्र सरकार के अधीन रहता है। संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, विशेष प्रावधान होगा तो वहाँ पर केंद्र भी बना सकता है, समवर्ती सूची पर दोनों बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 4थी अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंशदान जो होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा के संबंध में प्रत्येक दूसरे वर्ष इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यही कथन इनका सही उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है, तो यह 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो यह अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं और अनुच्छेद 124 में ही यह बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो कोरम कितना होना चाहिए, तो यह कोरम जो होना चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगर टोटल मान लीजिए कि अभी 545 है तो 545 में लगभग 54 होना चाहिए, अगर 550 है तो 55 होना चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक बुलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि वहीं पर अगर 213 हो जाए तो राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है, नीति आयोग का स्वरूप जो है क्या है, तो यह एक परामर्शदात्री संस्था है और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 40 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई, तो यह निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत किया गया, और इसी में अगर आपसे पूछे कि वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वह अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 326 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है और महान्यायवादी जो होते हैं वह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो किसी भी राज्य में पंचायत जो चुनाव होता है वह संयुक्त लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो भारत का संवैधानिक जो निकाय है वह अंतर्राज्यीय परिषद, इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा जो अनुच्छेद 263 में है, ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है, चुनाव क्षेत्र में अभियान जो बंद हो जाता है कब बंद होगा, तो यह मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व जो चुनाव क्षेत्र में प्रचार जो होता है वह बंद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है, इसमें से बताना है कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, या क्या है वित्तीय संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो रखा गया था वह 1968 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में यह एक संवैधानिक संस्था है, यह कथन सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन जो है वह अनुच्छेद 57 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो यह किया गया था संथानम समिति के अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी इसमें से किसी राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में निहित है, पद की नियुक्ति का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा संविधानोत्तर है? संविधानोत्तर संस्था इसमें से बताना है कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा योजना आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कौन से आम चुनाव में किया गया? तो यह किया गया था 1989 के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह कौन कौन है? तो हो जाएंगे दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह विधि सलाहकार भारत सरकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानून विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अगर आपसे पूछे कि अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय उसको जाना पड़े तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, यानी बढ़ा कौन सकता है? तो बढ़ा सकता है संसद, बढ़ा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो यह सैन्य मामलों में अपील पर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इस कहा था बेरुआरी यूनियन वाद के वाद में कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, और न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को सुस्पष्ट किया था? तो यह मेनका गांधी केस में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 143 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 50 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, तो यह कहे थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में कहे थे, और बेरुआरी में तो कहे थे कि वह संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के रिपोर्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के
मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो यह किए थे केशवानंद भारती बनाम में किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था तो यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण या बंदी प्रत्यक्षकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो यह 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है तो यह अनुच्छेद 343 में किया गया, अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है तो जापान की संसद को डायट कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ का मुद्रा एन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी तो हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है तो यह जीवन के सुरक्षा का अधिकार जो यह निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है तो यह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और वित्तीय जो हो जाएगा आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न है कि संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी होता है तो हो जाएगा दोनों सदन से यानी लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन होना आवश्यक होता है तो यह हो जाएगा 6 माह बाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है तो यह अनुच्छेद 360 में है और यह भारत में 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है और जिसमें से 2 प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जर्मनी के संविधान से लिया गया जबकि वित्तीय आपातकाल अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से डैश में बदल दिया गया तो यह बदल दिया गया 1978 ईस्वी में बदल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है तो यह जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं तो जो आपात उपबंध है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है तो 1 बार भी घोषित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या सभी के सभी में कर सकते हैं और वित्तीय संकट तो यह 1, 3 और 4 में कर सकते हैं, 1, 3 और 4 में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है तो 368 में संविधान के संशोधन किया जाता है, संविधान का संशोधन किया जाता है, संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है तो अनुसूची 6 में जिन राज्यों को शामिल किया गया है वह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी है जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके यह किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है 4 किससे संबंधित है तो भाग 4 जो है वह राजनीति निर्देशक सिद्धांत से है जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य को कहा गया है, अद्वितीय विशेषता या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है में से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में यह हो जाएगा जो अवधी भाषा का, इसमें से हो जाएगा अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है, बाद बाकी सभी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था, इनमें से कौन वह नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आपका वन और स्थानीय सरकार जो हो जाएगा यह उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, तो यह किया गया था 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई, तो 2003 में संथाली को जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण कहां से किया है, तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यह समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया, तो यह कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि सुधार डैश के विषयों से संबंधित है, तो भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के विषय से विषय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसमें से बताना है कौन समवर्ती सूची में, तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में है, जबकि कृषि पुलिस और रक्षा जो हो जाएगा राज्य सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है, तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि कुटी एक को कुटी दो से मिलान करना एक तरफ संविधान संशोधन एक तरफ प्रावधान है, तो 101 जो संविधान संशोधन है जो कह रहा है आपका 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह वस्तु एवं सेवा कर GST के लिए था, उसके बाद 102 जो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए था, ठीक है, 103 जो था वह आर्थिक रूप से कमजोर को अधिकतम 10% आरक्षण यानी EWS के लिए था, और जो 104 अनुच्छेद था लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त किया जाना था। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको सुमेलित करना है कि संवैधानिक प्रावधान एक तरफ स्रोत है, मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, राज्य का नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से, संसदीय सरकार जो था वह ब्रिटेन के संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदन के अधिकार और विशेषाधिकार और उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक कौन होते हैं, तो यह स्पीकर होते हैं, यानी स्पीकर सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से बताना है कौन सही है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल ही है और संसद की दोबारा बैठक पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है, तो जिसे अब संसद भवन की केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगा, तो 15% से अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए 100 प्रश्नों का संग्रह देख लिए, कल इसी में SK झा सर का ही आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस का भी कराया जाए।